southern india people have shut the door for the bjp chaliye let me main samajh gaya ho gaya aapka sir aap itna sunkar bhi itne sanniya patrakar ho kar karte ho aur sir wo aapka koi reaction nahi hai kya sir chaliye maine kaha na aaj rajneeti ki charcha nahi karna 28 मई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। दरअसल 100 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम बीजेपी नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 19 विपक्षी दल इसके विरोध में आ गई है। दरअसल इन विरोधी दलों को उद्घाटन समारोह से आपत्ति है। इनका कहना है कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जी हाँ, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उद्धव वाली शिवसेना इसका खुलकर विरोध कर रही है। कांग्रेस के नेता तो इसे महामहिम का अपमान तक बता रहे हैं। इन कांग्रेसियों का कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों ही इसका उद्घाटन होना चाहिए, ना कि पीएम के हाथों। महाराष्ट्र में बैठे संजय राउत हो या बिहार में बैठे तेजस्वी यादव, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। ये संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है, तो बनाने में या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं है। जो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। अभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है। अब एक तरफ विपक्षी इस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए संसद भवन को लेकर बात की। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल जिस वक्त अमित शाह अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त एक पत्रकार ने अमित शाह से ऐसा सवाल पूछ लिया जो संसद भवन के मुद्दे से बिल्कुल हटकर था। जाहिर था प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे के लिए रखी गई है, बात तो उसी की होनी चाहिए। तो ऐसे में जब पत्रकार ने राजनीति पर सवाल पूछा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देना उचित नहीं समझा। बस फिर क्या, पत्रकार दोबारा अमित शाह से उलझने की कोशिश करने लगा। पत्रकार ने कहा, सर आपने जवाब नहीं दिया। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि अरे मैं समझ गया, जो मुद्दा है फिलहाल उस पर बात करते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको एक बार बोल दिया फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर अमित शाह और पत्रकार के बीच की ये बातचीत वायरल हो रही है। अमित जी वणक्कम, दिनमलर वेंकटरामन फ्रॉम दिनमलर। यू मेड ए वेरी एलाबरेट डिटेल्स अबाउट दिस सिंगल। It's not only from Chola kingdom, it's the rulers of Tamil Nadu, Pandya, Chera Chola Pandya, everybody was using the Sengol when transits of power, and also indicate the how a king has to rule the country, which indicates to the people of the entire southern India. Now the southern India people have shut the door for the BJP. मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई, आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते। तो देखा आपने किस तरह से अमित शाह ने पत्रकार के सवाल पर उन्हीं की बोलती बंद कर दी। वैसे इस दौरान अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, जरा वो भी आप सुन लीजिए। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे।
मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा, ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक, 800 साल से ज़्यादा समय तक इस देश पर, इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है। और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणई कहते हैं।